अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है हमने एटमॉस्फेयर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें टॉपिक पढ़ना होगा ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट खत्म होती जा रही है। डिप्लीशन, डिप्लीट खत्म होती जा रही है, तो उसका नुकसान क्या होगा और ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में इसका बेनिफिट क्या है। बट इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो टॉपिक के अंदर कुछ हेडिंग्स बनाएंगे, पहले पैराग्राफ के अंदर आप हेडिंग बनाओगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। पहले तो हम ये देखते हैं कि ओजोन बनती कैसे। बेटा अगर हम बात करें ओजोन की तो एक्चुअली ओजोन है क्या? ओजोन इज अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जो ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो किसकी फॉर्म में होती है? O3 की फॉर्म में होती है। ये ओजोन की हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट इज फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर बाय द एसोसिएशन। ये एटमॉस्फेयर में बनती है। कब बनती है? जब ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। वो अकेला होगा तो एटम होगा, O2 तो मॉलिक्यूल होगा। ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो O3 ओजोन की फॉर्मेशन होती है। बेटा वैसे तो जो ओजोन है हमारे पास एटमॉस्फेयर पर हर जगह मौजूद है, लेकिन इसकी जो ज्यादा मकदार है वो जमीन से तकरीबन 25 किलोमीटर अबव है। 25 किलोमीटर अबव इसकी एक लेयर है, 25 से 30 किलोमीटर। और वो रीजन कौन सा होगा? वो मौजूद होगा हमारे पास इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इसकी एक कंसंट्रेशन, एक लेयर है, इसकी मकदार वहां ज्यादा है। और वो कितने फासले पर है जमीन से? 25 to 30 किलोमीटर है। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? ओजोन प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के ऊपर हर जगह, एटमोस्फियर में हर जगह ओजोन मौजूद है। कम मकदार में होगी, कहीं पर ज्यादा होगी। मैक्सिमम कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फीयर, इसे सबसे ज्यादा मिकदार कहां पर है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। स्ट्रेटोस्फीयर आपने पढ़ा था जो कि 12 से 50 किलोमीटर के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। और वहां पर इसकी होती है एक लेयर, उसे कहते हैं ओजोन लेयर, जो जमीन से कितने फासले पर है? 25 to 30 किलोमीटर अबव होती है। ये एमसीक्यूज में भी अब याद करेंगे। अब इस ओजोन लेयर का, जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर है, इसका बेनिफिट क्या होगा? बेटा ओजोन लेयर का बेनिफिट क्या है? बेटा ओजोन लेयर का बेनिफिट क्या है? एक्चुअली होता यह है कि जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन की एक लेयर है, ये ओजोन की एक लेयर है जो जो सूरज से जो रेडिएशन आती है, सूरज से जो आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन आती है? यूवी रेस। कौन सी रेडिएशन आती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ओजोन लेयर, ये कौन सी लेयर होगी? ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ये इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ जमीन पर नहीं आने देती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और वो स्किन की प्रॉब्लम कर सकती है, स्किन कैंसर भी कर सकती है। तो इसका बेनिफिट ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को तो रोक लेती है, विजिबल लाइट को आने देती है। तो बेनिफिट में क्या लगा कहेंगे? इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, जो कि सूर्य से रेडिएशन आ रही होती है अल्ट्रावायलेट, ये उन्हें एब्जॉर्ब रोक लेती है ओजोन लेयर। तो बेनिफिट हुआ इसका। और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पर आ जाए तो उसका नुकसान क्या होगा? काज स्किन कैंसर, स्किन की बीमारियां होती हैं, कैंसर हो सकता है। और भी इफेक्ट्स हैं, वो आगे हम इसके इफेक्ट्स में पढ़ेंगे। तो बेटा ये बेनिफिट होगा इसका कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेती है। अब अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर जो कहां पर मौजूद है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद है, जो जमीन से कितने फासले पर है? 25 to 30 किलोमीटर अबव है। अब नॉर्मल इसमें क्या हो रहा है? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन, देयर आर टू प्रोसेसेस अकर एट द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली जो ओजोन लेयर है उसके पास दो कंडीशन, दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। क्या हो रही है? ओजोन बन भी रही है, ओजोन टूट भी रही है। कैसे होता है? ओजोन ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करके ओजोन बनाता है, तो ओजोन फॉर्मेशन भी हो रही है वहां पर। एट द सेम टाइम ओजोन जब एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलता है, किसे मिलता है? एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देता है? ऑक्सीजन बना देता है। ओजोन टूट भी रही है, डीकम्पोजिशन भी हो रही है, ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है तो डीकम्पोजिशन भी हो रही है। लेकिन दोनों प्रोसेसेस बैलेंस में है, जितनी डीकम्पोजिशन हो रही है उतनी फॉर्मेशन हो रही है, दोबारा से लेयर पूरी बन जाती है, कोई इसमें डिप्लीशन नहीं होती अगर कंडीशन होगी नॉर्मल। बताने का मकसद ये है कि नॉर्मल कंडीशन में भी ओजोन की डीकम्पोजिशन और फॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन दोनों प्रोसेसेस ऑलमोस्ट इक्वल है, जितनी डीकम्पोजिशन होगी उतनी दोबारा फॉर्मेशन हो जाएगी, तो दोनों प्रोसेसेस बराबर होंगे तो ओजोन लेयर में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो फिर ओजोन लेयर डिप्लीटेड, ओजोन की लेयर डिप्लीट खत्म कब होती है? ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार कब कम होगी? जब हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मेन कंपोनेंट है जो ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है। ये क्लोरोफ्लोरो सीएफसीज, सीएफसीज पढ़ते बैठे हमारे पास इसका पूरा नाम क्या होगा? इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, इसे सीएफसीज पढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है बेटा हमारे पास। ये मेजर सोर्स है ओजोन की डिप्लीशन पे। ये होती कहां पर है बेटा? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है इन्हें हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर, एयर कंडीशनर, एसी के अंदर। ये होती है यूज एज अ कूलेंट, जो उसमें ठंडक पैदा करती है, फ्रिज के अंदर या एयर कंडीशनर के अंदर वो इस्तेमाल ही कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो वहां पर ये क्या करते हैं? एज अ कूलेंट गैसेस के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये जैसे पॉजिटिव फंक्शन हो गया। लेकिन जब वो एयर कंडीशनर से या रेफ्रिजरेटर से ये गैसेस वहां से लीक हो जाए, तो निकलने के बाद एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती हैं। मैं आपको पास समझा रहा हूं कि ये वहां तक पहुंचेंगे कैसे। क्या हुआ? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां इस्तेमाल हो रही है? एयर कंडीशनर या फिर कहां इस्तेमाल हो रही है? रेफ्रिजरेटर के अंदर। वहां पर ये गैसेस पॉजिटिव यूज है। क्या यूज है? यूज एज अ कूलेंट गैसेस है, ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन वहां से अगर ये गैसेस लीक होती हैं, अगर वहां से लीक हो जाए तो ये एटमॉस्फेयर में जाएंगी और डिफ्यूज होते होते कहां चल जाएंगी? स्ट्रेटोस्फीयर में। जैसे ही ये गैसेस पहुंचेंगी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, कौन सी गैसेस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? CFCl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो मैंने हम इसका अब्रीवेशन लिखा ना CFCs कहते हैं, तो कार्बन होगा इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। क्लोरो क्लोरो मतलब क्लोरीन होता है इसके अंदर, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन होता है, और कार्बन मतलब कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरो मतलब क्लोरीन होता है, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन होता है, और कार्बन मतलब कार्बन होता है, तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ही ये पहुंचेगा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होंगी कहां से? सन से। तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है वो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से टकराएंगी, जिसकी वजह से ये टूट जाता है। टूटने के बाद इसमें से एक क्लोरीन निकल जाएगा और वो क्लोरीन रेडिकल की फॉर्म में बन जाएगा, क्लोरीन रेडिकल, सीएल रेडिकल बन जाएगा, जबकि बाकी बचेगा CFCl2 बन जाएगा। तो यहां पर जो रेडिकल बनता है क्लोरीन रेडिकल, ये इफेक्टिव होता है। ये क्या करेगा? ये क्लोरीन रेडिकल बनेगा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ओजोन की लेयर तो है ना, ये क्लोरीन रेडिकल जो है ये ओजोन की लेयर के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा, ओजोन लेयर मतलब ओजोन के साथ, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रेडिकल है तो रिएक्टिव होगा, तो ये जाकर रिएक्ट करेगा और यहां से एक ऑक्सीजन गेन कर लेता है, तो क्या बन जाएगा? OCl, बाकी बचेगा O2। तो क्या हुआ? इसे ओजोन टूटना शुरू हो गई। ओजोन का फंक्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रोकना, ये है ऑक्सीजन। ये रिस्पायरेशन के लिए तो इस्तेमाल हो सकती है सांस लेने के लिए, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये डिकम्पोजिशन शुरू हो गई, OCl बन गया। ये जो OCl बनेगा ये स्टेबल नहीं होगा, ये दोबारा ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन रेडिकल बना देगा, Cl दोबारा रेडिकल बन गया। ये Cl रेडिकल दोबारा क्या हो गया? रीजनरेट हो गया, रीजनरेट हो जाएगा, दोबारा से एक और ओजोन को तोड़ देगा, फिर दोबारा जनरेट होगा, दोबारा टूटेगा। तो इस तरह करते करते तकरीबन 10 लाख
10 लाख से भी ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल को यह तोड़ सकता है, मैंने लैक्स को यह तोड़ सकता है एक क्लोरीन का रेडिकल। तो ये तो ओजोन बनेगा रेडिकल, एक और ओजोन रेडिकल से मिलकर O2 ऑक्सीजन गैस बना देगा। तो ऑक्सीजन गैस बन रही है, ओजोन टूट रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, चार बेटा स्टेप्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तोड़ देगी, क्लोरीन रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल इफेक्टिव होगा, ये जाके ओजोन से टकराएगा, ओजोन को तोड़कर OCl में कन्वर्ट हो जाएगा, OCl दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, Cl रेडिकल ऑक्सीजन बन गया, ये रेडिकल दोबारा एक और ओजोन से टूटेगा, दोबारा जनरेट हो जाएगा, इस तरह करता रहेगा और मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है एक रेडिकल, और ये ओजोन जो रेडिकल बने दोनों मिलकर ओजोन को बना देंगे। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ओजोन की मिकदार कम होती जाएगी। तो सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन ब्रेक मैनी लैक्स ऑफ ओजोन, एक क्लोरीन का रेडिकल मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। दिस रीजन इन विच ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, वो जगह जहां पर ओजोन खत्म होती जा रही है उस जगह को नाम देते हैं ओजोन होल का। What is the ozone hole? ऐसी जगह जहां पर क्लोरीन के रेडिकल्स रिएक्ट करके ओजोन को खत्म कर जा रहे हैं उसे नाम देते हैं ओजोन होल, ओजोन डिप्लीटेड हो जा रही है। तो बड़े कुछ फंक्शन थे कि नॉर्मली शॉर्ट में आपको इफेक्ट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इफेक्ट याद करना पड़ेगा, वो अलग अलग फॉर्मेशन अलग होगा, बेनिफिट्स अलग करेंगे, नॉर्मल कंडीशन अलग करेंगे, तमाम अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बना के याद करें, लॉन्ग भी आ सकते हैं, सबको इकट्ठा लिखना पड़ेगा आपको। अल्लाह हाफिज़।